हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पकोड़े, प्याज पकोड़े। तो चलिए फ्रेंड, प्याज काट लेते हैं और साथ ही साथ आलू पकोड़े भी बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आलू को काट लेंगे और प्याज को। तो फ्रेंड्स, ये प्याज हमारा आधा कट गया है और देखिए इस तरह से बारीक काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसे एकदम बारीक छोटा छोटा कर लेंगे। और ये हमारा प्याज पूरा कट गया है तो इसको अब बेसन में डाल लेते हैं। इसको थोड़ा हाथों की मदद से फिर ऐसे क्रश कर देंगे और इसमें लाल मिर्च और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। ये देखिए, और इस और देखिए इसमें लाल मिर्च और सोडा है ये खाने वाला, जो पकोड़े वगैरह में डालते हैं वही है। तो देखिए, और इसको अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हाथों की मदद से इसको मसल मसल के मिलाइए ताकि प्याज और बेसन अच्छे से मिल जाए और नमक वगैरह सब मिक्स हो जाए। तो देखिए फिर ऐसे ऐसे एकदम से, और इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसमें पानी डाल देते, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो हमारा पकौड़ा का हमारा बैटर पतला हो जाएगा। नहीं तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिए और इसको अच्छे से मिलाइए। इसको देखिए ऐसे से मसल मसल के अच्छे से मिलाइए ताकि पूरा सोडा वगैरह और नमक वगैरह अच्छे से मिले। और ये देखिए हमारा बेसन, और इसमें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे और ये हो गया। फिर देखिए कितना अच्छे से, थोड़ा टाइट ही रखेंगे इसको ताकि अच्छे से बेसन खोटने में आसानी हो। ऐसे इतना बैटर गाढ़ा करना है। तो फिर देखिए, मैं बहुत अच्छे से इसको फेंट ले रही हूँ और इसको देखिए एकदम अच्छे से, ताकि हमारा पकोड़े अच्छे से बने, सॉफ्ट एकदम नरम और गर्मा गर्म खाने में भी मज़ा आ जाए, ऐसा हम लोग बनाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारा बैटर तैयार हो गया है और इसमें बताई थी कि आलू वाला भी बनाएंगे, तो आलू को भी ऐसे ही काट लेंगे, नहीं छिलेंगे, ऐसे ही धो के इसको गोल गोल काट लेंगे। देखिए इस तरह से तीन आलू ले रहे हैं हम लोग। तो देखिए इसको स्लाइसिंग बोर्ड और चाकू की मदद से इस तरह से काट लेंगे। और देखिए हमारा आलू कट गया है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से काट रहा है और इसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख देंगे ताकि और ये थोड़ा अच्छा बने। तो देखिए इसको पानी में थोड़ी देर के लिए रख दे रही हूँ और चलिए अब चलते हैं। और ये हमारा तेल गरम हो गया है फ्रेंड्स, और देखिए बैटर भी तैयार है। तो अब गरम हो गया है तेल और इसमें हम लोग पकौड़े डाल देते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे हाथों की मदद से थोड़ी थोड़ी लोई गिराएंगे इसमें। देखिए ऐसे, देखिए कितना अच्छे से तेल गरम है, और जितना तेल है हमारा उसमें सारे में ऐसे डालेंगे पकौड़े, पूरा जितना हमारा कढ़ाई ले ले, मतलब जितना तेल है वह उतना ही। देखिए ऐसे ऐसे
कर ले रहे हैं। और देखिए उसमें एक तरफ आलू भी रखे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें आलू पकोड़े भी बनाने हैं। और देखिए इसको थोड़ी देर बाद हम लोग पलट लेंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए हम लोगों का भजिया कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना फ्रेंड्स। और देखिए इसको भी जो बचा है इसको भी थोड़ा थोड़ा पलट लेंगे। देखिए और कितना बड़ा बड़ा हो गया है, कितना फूल गया है। और इसको इस थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे जब ये हो जाए गोल्डन ब्राउन। तो देखिए आज हम लोगों ने निकाल लिया है, इसको पलट देंगे। थोड़ा तेल कम हो गया है फ्रेंड्स, इसलिए और इसमें देखिए इसको निकाल लिए हैं। और डालेंगे इसमें पकौड़े तलने के लिए। तो देखिए ऐसे तल रहे हम लोग। इस कढ़ाई में पूरा जितना तेल है उतना ही इसमें भरेंगे, डाल देंगे। और हम लोगों ने आलू जो काटा था उसी से बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा आलू पकौड़ा हो गया है, देखिए इसको डाल लिए हैं। और ये भी पक गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको थोड़ा थोड़ा चला लेंगे फ्रेंड्स। और देखिए इसको निकाल लेते हैं, ये हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है। डालते हैं इस देखिए, और डाल देंगे इसमें जो हमने गोल गोल। और ये हम लोग फ्रेंड्स टमाटर चटनी बना ले रहे हैं। छोटा वाला टमाटर है तो इसमें हरी मिर्ची है 2-3, और टमाटर है, और नमक और लहसुन और थोड़ी सी अदरक। तो ये सबको अच्छे से हम लोग सिलबट्टे में पीस लेंगे फ्रेंड्स। देखिए इसको ऐसे पत्थर के मदद से। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोगों का चटनी बन रहा है। और आप लोग भी ये रेसिपी बना के देखिए, और ऐसे ही चटनी बना के देखिए। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये चटनी और पकोड़े ज़रूर पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बना के देखिए और खाइए, और हमको बताइए कि कैसा बना था और कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये हम लोग का चटनी बन गया है, इसको अब उठा लेंगे, एक कटोरी में डाल लेंगे। तो देखिए कैसा लग रहा है फ्रेंड्स। और ये हम लोग का चटनी बन गया है, और साथ ही साथ ये देखिए हम लोगों का पकोड़ा, और ये हम लोगों का पकोड़ा बन गया है देखिए फ्रेंड्स। और ये है आलू पकोड़ा और प्याज पकोड़ा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाइए, खाइए, और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसा बना था आप लोगों का पकोड़ा। तो फ्रेंड्स ये पकोड़ा एकदम रेडी है खाने के लिए, तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। अगर ये रेसिपी आप सबको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।